दोस्तों आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। कई बार कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होने के बाद रिवाइज ड्राइंग आती हैं, जिनमें हमारी कुछ इंसर्ट प्लेट्स ऐड होती हैं, या पाइप रैक हैं, या केबल ट्रंच हैं, या प्लेटफॉर्म है। ये क्या होता है, नए रिवाइज ड्राइंग में आता है, तो उसके लिए हम लोग एंकर फास्टनर के थ्रू जो अपना इंसर्ट प्लेट लगाते हैं उसको कैसे लगाते हैं और उनमें कौन से बोल्ट यूज़ करते हैं, आज हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा हेल्टी का एंकर फास्टनर बोल्ट है, जिसको हम लोग एक्सपेंशन बोल्ट भी बोलते हैं, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं 12, ये क्या है 12 नंबर क्वांटिटी है, और ये हमारा HS-ST3, ये हमारा बोल्ट का ग्रेड हो गया, और M जो है M ग्रेड, मतलब हमारा जो डाया है बोल्ट का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंकर फास्टनर, और ये ×220 क्या है उसकी पूरी लेंथ है। तो हम आपको जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे एंकर फास्टनर बोल्ट हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये आपको जैसे कि बोल्ट, हम बोल्ट के बारे में बता रहे हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा हेल्टी का बोल्ट है, जो हमारा M16 है, यानी इसका जो डाया है ये 16 mm का है, और ये 120x100 है। 120 क्या है दोस्तों, यदि हम 120 की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये रेड मार्किंग किया हुआ है। ये हमारा क्या है, जो ये थ्रेड पोर्शन हो गया, ये हो गया 120, और उसके बाद जो 100 है ये हमारा दिया हुआ है, निचला भाग जो हमारा ये पार्ट है ये हमारा हो गया 100 mm का। ठीक है दोस्तों, ये मिनिमम क्या होता है, जब हम ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद इस बोल्ट को लगाते हैं एंकर फास्टनर बोल्ट को, तो ये मिनिमम 100 mm हमारा होल के अंदर जाना चाहिए, उसके लिए ये दिया गया है। तो दोस्तों कैसे ड्रिल करते हैं और लगाते हैं इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये जो हमारा इंसर्ट प्लेट है, इसके लिए हम लोगों ने ये मार्किंग किया कॉलम में। आपको एक चीज़ और दोस्तों ध्यान देना है, जो हमारा ये एज होता है, एज से हमको 50 mm, यानी ड्राइंग के हिसाब से आपको पहले मार्किंग करना है। मार्किंग में एक चीज़ का ध्यान देना है, और वो है आपको हमेशा याद रखना है, जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट होता है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट होता है स्टील का, उसको आपको सिविल ड्राइंग के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेना है कि वो जिस पोजीशन पे आता है, तो उसको लोकेशन को थोड़ा सा चेंज करना है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने मार्किंग करके, और ये हेल्डी से जो हम बोल्ट लगाएंगे उसका ड्रिल कर रहे हैं। ये देखिए हेल्डी मशीन से हम लोग इसको ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिलिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको ब्लोवर से पूरा क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद एंकर फास्टनर बोल्ट को जो है उसको कैसे डाला जाता है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। ये ब्लो आप देख सकते हैं, ये होल होने के बाद हम लोग ब्लोवर से इस प्रकार से क्या करते हैं, होल को क्लीन करते हैं। ये होल को, चारों होल को हम लोग पूरी तरह से ऐसे क्लीन करते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग 170x180 क्या करते हैं, जो हमारा ये होल का डीप होता है इसको किया जाता है, ताकि हमारे जो एंकर फास्टनर बोल्ट है वो इजिली वे में अंदर जा सके। ये आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में ये आपके बोल्ट हैं, ये आप देखिए, और इसको ऐसे डाला जाता है। ये देखिए, ये कुछ होल में इस प्रकार डाला जाता है, ये देखिए इस प्रकार डाल के इसको पीछे से, ये इसमें आपको करते समय एक जो विशेष ध्यान रखना है बोल्ट का, ये थ्रेड का ध्यान रखना है, थ्रेड आपका डैमेज ना हो। तो कुछ इस प्रकार आपको इसको जो है पीछे से हैमर के थ्रू पंच करके ठोक के अंदर ले जाना है धीरे धीरे, ताकि इसका जो थ्रेड है वो डैमेज ना हो। दोस्तों इस प्रकार से जब हमारा ड्रिल कंप्लीट हो जाता है और हम लोग एंकर फास्टनर बोल्ट जो है हमारे लगने के बाद, आप देख सकते हैं ये इंसर्ट प्लेट है। अल्टरनेटिव हमने पहले फर्स्ट ये वाले बोल्ट को टाइट करेंगे, इसके बाद हम इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हम लोग ये टाइट कर रहे हैं, ये बोल्ट जो है हमको पूरा फुल टाइट करना है। दोस्तों यदि इसके हम टेंशन लोड की बात करते हैं, तो ये हमारा 2.5 टन का लोड लेता है, और यदि हम इसके शेयरिंग लोड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 5.2 टन लोड लेता है। यदि हम शेयरिंग लोड की बात करें दोस्तों, तो जैसे इस पोजीशन पे हम कोई भी वेल्डिंग करते हैं, एंगल है या बीम है, कुछ किसी चीज़ का करते हैं और उसके ऊपर लोड आता है, तो वो हमारा शेयरिंग लोड हो गया। और यदि हम इसको बाहर की तरफ खींचते हैं, यानी टेंशन, यानी खींचना, पुल आउट करना, वो हमारा क्या हो गया, टेंशन लोड हो गया। तो यदि हम एक बोल्ट की कैपेसिटी, दोस्तों एक बोल्ट की कैपेसिटी हमारा कितना है शेयरिंग लोड का,
5.2 मैट्रिक टन। ये देखिए पूरा टाइट होने के बाद हमारा जो ऐसे इंसर्ट प्लेट ये पूरा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये हमारा बोल्ट है, हम आपको दिखा रहे हैं, जब हम ऊपर से इसके ऊपर हैमर से ठोकते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या होता है, ये फैलता है और अंदर जाके जो है ना ये ग्रीप बनाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे डाया जाता है अंदर ग्रीप बनाता है और बाद में ये जो है मिनिमम हमारा जो रिक्वायरमेंट, जैसे हमने आपको बताया इतना बोल्ट हमारा कम से कम कॉन्क्रीट कॉलम के अंदर जाना चाहिए और ये हमारा बोल्टिंग एरिया है। और यदि हमारा रिक्वायरमेंट कम है तो यदि हम 160-170 डालते हैं, जितना ये बोल्ट हमारा कॉन्क्रीट के अंदर जाएगा रिक्वायरमेंट के अनुसार उतना ही हमारा जो शेयरिंग लोड है वो बढ़ेगा। इसमें जैसे कि हमने अभी आपको ऑलरेडी बताया एक जो बोल्ट है, एक बोल्ट का जो शेयरिंग लोड है वो कितना है दोस्तों, 5.2 टन। तो इस प्रकार से आप जब कभी भी आपको यदि रिवाइज ड्राइंग आती है और आपका इंसर्ट प्लेट आपको लगाना होता है तो आप ये हेल्टी के जो बोल्ट्स हैं इनका उपयोग कर सकते हैं और इनको जो है अपना जो इंसर्ट प्लेट है उसको लगा के उसके ऊपर आप चाहे प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म का बीम बिल्डिंग करके आप यूज़ कर सकते हैं, पाइप रैक है, केबल ट्रेंच है, मतलब कोई भी चीज़ जिसका रिवाइज ड्राइंग आया उस आप इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। तो अतः दोस्तों आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे आपको रिवाइज ड्राइंग के ड्राइंग में इंसर्ट प्लेट को लगाना है ताकि आपको दोबारा चिपिंग ना करना पड़े कॉलम को और इजली वे में आपका काम हो जाए। तो यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ में ही इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है या कोई क्वारी है तो आप हमारे YouTube में हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।